हेलो प्यारे बच्चों, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक समतल में गतिमान पिंड के किसी छठ टी पर निर्देशांक एक्स बराबर सी टी स्क्वायर तथा वाई बराबर बी टी स्क्वायर है, पिंड का वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमने एक्स इक्वल टू सी टी स्क्वायर लिया और वाई इक्वल टू बी टी स्क्वायर लिया हुआ है। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट, तो टी एक्स अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा सी, और टी स्क्वायर का हो जाएगा टू टी टू सी टी। इसी तरह से ये वाई जो कोऑर्डिनेट है उसका भी करेंगे हम डी वाई बाई डी टी, तो ये हो जाएगा टू बी टी। क्योंकि ये एक्स साइड में वेग है तो इसको हम बी एक्स लिख सकते हैं, बी एक्स बराबर टू सी टी, और ये वाई साइड में वेग है बी वाई बराबर टू बी टी। चूँकि पार्टिकल एक्स और वाई डायरेक्शन में एक साथ चल रहा है, द्विविमीय गति कर रहा है, यानी इस साइड में बी एक्स है और साइड में बी वाई, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो इसके डायगोनल से दिया जाएगा समानांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार। तो ये होगा, ये जो 90 अंश के कोण पर हैं दो फुट वेग, तो ये कोण हो गया इनके बीच का 90, और ये हमें इसका रिजल्ट निकालना है आर। तो आर बराबर होगा अंडर रूट में वी एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे टू सी टी का होल स्क्वेयर प्लस टू बी टी का होल स्क्वेयर। यहाँ से टू टी स्क्वेयर कॉमन है तो टू का चार टी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, टू फोर का टू निकल आएगा और टी का ये अंडरूट टू टी अंडरूट बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी, जिसको बी बोलेंगे हम, वी इक्वल टू आर के बराबर। तो यही हमारा पिंड का वेग है। तो पिंड का वेग बराबर टू टी अंडरूट बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो इस तरह से हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।